This conference will now be recorded. तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। एक्सेल के अंदर जो कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास डेटा है और मैं कुछ कैलकुलेट करना चाहता हूं, बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए तो मुझे सम दो वैल्यू के अंदर में सम ही करना है, तो सम करने के लिए आप दो चीजें यूज करेंगे। एक तो एक्सेल का इनबिल्ट फॉर्मूला जो सम है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे कि भाई इसको आपस में सम कर, या दूसरा आप यूज करेंगे 20 प्लस 30, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहां पे आता है कि सम जो है ये इनबिल्ट फॉर्मूला है। अब ये इनबिल्ट फॉर्मूला जो है वो लिमिटेड है। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह की कैलकुलेशन आई जिसके लिए इसमें कोई फॉर्मूला अवेलेबल ना हो, तो क्या करें? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास क्वार्टर वन है एंड क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में मान लीजिए कि 50 सेल है, क्वार्टर टू में 55 सेल है। मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो आपको पता नहीं है, उसपे ट्रस्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। So, मैं इसको अपने मैथमेटिकल स्किल से कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैथमेटिकल स्किल्स क्या करती है? तो अगर मैं मैथमेटिक यूज करता तो मैथमेटिक में सिंपल करता ये कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन, ठीक है संदीप जी। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। अब मुझे इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को एक्सेल में करना है, क्योंकि एक्सेल में जो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट ये तो फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे कि 55 माइनस 50 डिवाइड बाय 50। तो संदीप विकास जी आप बताइए क्या सही है? रिजल्ट एंटर मारूंगा तो रिजल्ट आएगा? चौहान जी मैं वेट कर रहा हूं आपकी रिप्लाई का। संदीप जी आप बताइए, विकास जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। सर ये सही नहीं आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में होना चाहिए। ब्रैकेट में होना चाहिए मतलब कि बोर्ड मास मेथड, क्योंकि कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में माइनस बाद में होता है, डिवाइड पहले होता है। तो जो कैलकुलेशन सीक्वेंस है तो उससे डिवाइड पहले होगा, मतलब कि B6 डिवाइड बाय B6 कर देगा। यहाँ पे होना चाहिए था C6 माइनस B6 डिवाइड, उसकी रिजल्ट को डिवाइड करेगा C6। तो जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशन करें तो आप जो सेपरेट कैलकुलेशन है तो आप ब्रैकेट में रहें, ताकि आपका जो भी रिजल्ट हो वो इफेक्ट ना करे। ये सिर्फ ये जो ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं, ये आपका फॉर्मूला वगैरह जो लगाते हैं उसमें भी अगर मान लीजिए दो फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां भी इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? अब मैथमेटिकल ऑपरेटर होते कितने तरह के हैं, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड,
और कोई होता है संत श्री शर्मा जी, मैथमेटिकल ऑपरेटर और भी होते हैं? क्या हुआ आज रिप्लाई नहीं कर रहे सर? मैथमेटिक्स एक और होता है, देखिए मैथमेटिक्स में तो यही होता है, पर एक्सेल में एक और होता है, उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, उसको हम पावर बोलते हैं। अब चलिए इसकी मदद से और करते हैं, और कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास P है, R है और T है। मतलब कि मेरे पास एक अमाउंट है प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं, फिर रेट है हमारे पास मान लीजिए 7% का, और हमारे पास टाइम है मान लीजिए 3 साल। तो 50,000 रुपए 7% से हमने 3 साल के लिए दिए। इसकी अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा, इसका अमाउंट। अब अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, एफडी फॉर्मूला है, पीडी फॉर्मूला है, लेकिन मुझे उन फॉर्मूलों पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे उन फॉर्मूलों पर ट्रस्ट नहीं है। तो क्या करेंगे आप? तो मैं यहाँ पे हमारे पास जो अगर बात करें कि मैथमेटिक्स में हम कैसे करते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं बचपन से तरीका अप्लाई करता आता हूँ वो है पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। अब इसमें एन क्या है? एन है नंबर, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक होता है कि ईयरली है, मंथली है, तो उसी हिसाब से होता है, तो वो चीजें यहाँ पर है। तो मुझे एक कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले बात है कि थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है। अगर एक सेल में इस कैलकुलेशन को करता हूं तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत ये होगा कि एरर आने के चांसेस होंगे। इसको वन बाय वन कर, तो सबसे पहले करता हूं मैं कि यहां आर डिवाइड बाय एन मतलब कि 12, फिर इसको करता हूं इक्वल 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन, फिर यहां पे मैं करता हूं टाइम, टाइम को मल्टीप्लाई करता हूं 12 से, और फिर इन दोनों के बीच में मैं पावर ले लेता, और आफ्टर देन इसको हम P से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका रिजल्ट है 61,646। अब रिजल्ट तो मेरा सही आया, चलिए मैं इससे संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे ये पता करना है कि जो रिजल्ट आया है इसको एक सेल में आना चाहिए, लेकिन इसने कई सारे सेल्स को ले लिया है। अब यहां पे एक नई चीज आप सीख रहे हैं, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, कि कई सारे फॉर्मूले को एक सेल में मर्ज करना। तो क्या करेंगे हम, इसको यहां से कॉपी करते हैं और यहां C3 के अंदर हम उसको पेस्ट करते हैं, फिर वापस हम इसको कॉपी करते हैं और यहां D13 जो दिख रहा है आपको, D13 के ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। और फिर यहां वापस आते हैं, सो कॉपी करते हैं और यहां
E13 के जगह पे हम इसको पेज कर देते हैं और फिर इस पूरी कैलकुलेशन की यहां उठाता हूं मैं और यहां F13 को सिलेक्ट करता हूं और F13 को यहां पेज करता हूं, मान लेता हूं तो आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को कंट्रोल एक्स करते हैं और जहां रखना है वहां रख देते हैं। काफिया जी, संदीप जी, श्री शर्मा जी और विकास चौहान जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सर एक बात चाहिए, आपने जो पेस्ट करा है वो वही करा है ना, मतलब जहाँ पे मतलब जैसे एक एक जगह मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सेल्स से हमने मल्टीप्लाई किया। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, चलिए एक और एग्जांपल इससे बता देता हूँ क्योंकि इसके आपको काम करने से ध्यान से रखिएगा। जैसे कि मेरे पास एक अमाउंट है, ठीक है, नहीं अमाउंट एक कॉस्ट करता हूँ, कॉस्ट है, कॉस्ट हमारा 50 है और मुझे इसकी MRP निकालनी है। तो MRP अगर मैं मैनुअल निकालता हूं तो क्या होगा कि यहाँ 50 जो है कि 50 का 5% मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट रखेगा और 50 में ऐड करके जो मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर को 50 रुपये के सामान 52 रुपये 50 पैसे में बेचेगा। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करेगा, इसका 10% निकालेगा और फिर अपने में ऐड करेगा और फिर उसको आगे बेचेगा। फिर ये आपका होलसेलर क्या करेगा कि अपना 15% निकालेगा और अपने लागत में ऐड करके आगे रिटेलर को दे देगा। रिटेलर अपनी लागत का 15% 20% हाँ 20% ऐड करेगा और फिर वो आगे सेल कर देगा। तो फाइनली हमारा 39 हुआ, लेकिन ये इतने सारे कैलकुलेशन में एक सेल में होना चाहिए था। अब ध्यान से देखिए संदीप जी, अब इसमें मैंने क्लिक किया तो ये लिंक था, इससे दो सेल से लिंक है, B16 से और C18 से। तो B16 पे तो हमारा नॉर्मल वैल्यू है लेकिन C18 पे हमारा फॉर्मूला है। तो जब हम फॉर्मूले को क्यों लिंक करेंगे, हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला कॉपी करके हम यहाँ डाल देते क्या, लेकिन ब्रैकेट में सर, ब्रैकेट में ही होगी। हाँ तो देखा आपने, हाँ जी लिंक हट गया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूं और वहां ऊपर C19 में इसको हम पेस्ट कर देते हैं। राइट, और C19 यहां भी है तो हम यहां भी इसको पेस्ट करते हैं। अब यहां देखिए क्या D18 है, मतलब इसको आप F2 प्रेस करेंगे दिख जाएगा D18 है। तो वापस मैं D18 की फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और जहां D18 है उसके जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूं और फिर हम इसको कॉपी करते हैं और यहां जहां D19 है उसके जगह पर हम D19 का फॉर्मूला पेस्ट करते हैं। तो वापस हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे E18 में उसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ
E19 के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और यहां भी हमारा E19 है, तो E19 के जगह पे E19 का फॉर्मूला हम पेस्ट करते हैं, और वापस हम इसको कॉपी करते हैं, और यहां F18 के ऊपर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको यहां पे लेके आना, लेकिन इसको कॉपी करके मत लाइएगा, मैं इसको कट करके ले जाता हूं। कॉपी करके ले जाने पे क्या दिक्कत होगा कि जो आपके रेफरेंस जो है B16, ये B16 को इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, कट करने पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। अब संदीप जी, विकास जी और बाकी लोग जो है, क्या बताइए, श्री शर्मा जी आप भी, क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन आप कर सकते थे? नहीं सर, बहुत कंफ्यूजिंग है, बात पड़ा। संदीप जी आप कर सकते हैं? नहीं सर। तो आगे ये जो चीज बताने का जो पर्पस था वो पर्पस यही था कि आगे चल के आप जब फॉर्मूला नेस्टिंग, इस चीज को समझिए, मतलब कि एक फॉर्मूले में दूसरे फॉर्मूले को ऐड करना, दैट कॉल फॉर्मूला नेस्टिंग। तो उस फॉर्मूला नेस्टिंग के समय आपको यहां पे ये मेथड काम आएगा। क्या काम? आप बड़े बड़े फॉर्मूले को रिजल्ट को वेरीफाई कर दीजिए, एंड आफ्टर दैट कॉपी पेस्ट सारे फॉर्मूले को कर दीजिए, ठीक है? तो इससे बेनिफिट क्या होगा, क्या बड़े बड़े लेंथी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले लगा पाएंगे, जिसकी लेंथ 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन होगा, उसको आप लगा पाएंगे इजी। लेकिन दिक्कत एक हमेशा रहेगी, लगाने के बाद उसको मॉडिफाई करना हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए 5% उनको जगह पे 6% है, तो कितना 6% करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए 5% को मुझे 6% करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे कंट्रोल एच, यहां पे करूंगा 5% चेंज हो जाए 6% में और रिप्लेस करूंगा। देखिए मुझे लग रहा है कि गलत हो गए, गलत क्या हुआ बताइए, 5% तो 6% हो गया, लेकिन 15% भी 16% हो गया ना सर। तो इसका एक उपाय और है, जैसे कि हमने कंट्रोल एच करते समय एक चीज ध्यान में रखेंगे कि यहां पे स्टार मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई 5%, तो अब आपका 15% चेंज नहीं होगा। ओ, कंट्रोल एच, और यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई 6%, सिर्फ 6% में ये क्या हो जा रहा है? अगर हम उसको मल्टीप्लाई 6% करते हैं स्टार 5% मल्टीप्लाई बाई 5%, ओके एक मिनट रुकिए, तो हाँ नहीं, स्क्रीन बाय फॉर्मूला सही है, कुछ है मल्टीप्लाई में कुछ है, तो चेंज करना मुश्किल है, करने का मतलब ये, ठीक है? तो आज गणेश चतुर्थी है और आप सभी को गणेश चतुर्थी तीज और संदीप जी आप